सिर्फ ख्वाबों से नहीं घर बनता है इरादों से। द पाम्स काउंटी एसकेएम 91 न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। मक्का मस्जिद में दो दिन पहले शरपसंद शख्स के मस्जिद में दाखिल होकर खतीब साहब के इंतहाई करीब बैठ जाने के वाक़े के बाद सोजोन DCP साई चैतन्य IPS ने मक्का मस्जिद का अचानक दौरा किया और मक्का मस्जिद में घुसने वाले शख्स के मामले की वजाहत की और मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जैसे ही सिक्योरिटी अमले को शक हुआ और इस शख्स को मशकूक हालत में पाया, फौरी तौर पर इस शख्स को बाहर लाया गया और इसे पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए इससे पूछताछ की जा रही है। मस्जिद DCP साई चैतन्य IPS ने बताया कि मक्का मस्जिद 100% बिल्कुल महफूज है और इसकी हिफाजत हम लगातार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर रमज़ान, तरावी और तहज्जुद की नमाज में सिक्योरिटी खास कर बढ़ा दी गई है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और शहर के पुरअमन माहौल को ख़राब होने से रोका जा सके। इस मौके पर DCP साई चैतन्य IPS ने मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान और मुसलिया ने मस्जिद से बातचीत करते हुए वहाँ के हालात का जायज़ा लेते हुए तफसीलात हासिल किए। आइए सुनते इस खसूस में तमाम तर तफसील। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर जाफर की यह खसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और ख़ास खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अब ये इस दौर में मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमारे डिप्लॉयमेंट कैसे होते हैं। अब बाहर दिखने वाला हमेशा मक्का मस्जिद पे 10 मेल ऑफिसर्स, 5 फीमेल ऑफिसर्स रहते हैं। वो कुछ लोग यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं, कुछ लोग बिना यूनिफॉर्म के अंदर भी रहते हैं। ये कि कोई भी बंदा कोई भी आके कोई किसी किस्म के बदमाशी करने का कोशिश करें, उनको तुरंत पकड़ने के लिए हमारा डिप्लॉयमेंट है। तो जब वैसे अंदर जाके बैठे तुरंत रिकग्नाइज़ किया तो विद इन फ्यू सेकेंड्स उसको बाहर लेके गए और पुलिस स्टेशन पे लेके गया, उस पर पूछताछ की गई, उसका क्या इरादा है हम लोग पूरा चेक किया और उनके ऊपर जो हरकतें किया उनके पास जो इंटेंशनल अनइंटेंशनल दूसरी चीज़ है, बट एक कम्युनिटी का इमोशंस को हर्ट हुआ तो उसके हिसाब से जो जहाँ जैसे कि यह मस्जिद है, मस्जिद का बिहेव करने का तरीका होता है, उसको बंदे को पता नहीं है तो उसने गलत तरीके से बिहेव किया तो उसके ऊपर हम पब्लिक न्यूसेंस पे कोई केस डाले। और साथ साथ यहाँ पे जितने भी CC कैमराज है सारी हम फंक्शनल है या नहीं है वो भी पहले से हम चेक करते रहें और रमज़ान के तौर में और ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट भी लिया उसके ऊपर कि CC कैमरा सारी कंटिन्यूसली मॉनिटर भी किया कर रहे हैं। सर कि अब मुसलमान जो मुसल्ली है उनको कितना भरोसा दिलाएंगे सर मक्का मस्जिद की सुरक्षा को लेकर? मक्का मस्जिद 100% सेफ है, उसका सुरक्षा हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं एंड स्पेशली रमज़ान के टाइम पे आपको पता है कि 5 नमाज़ों के अलावा तरावी और तहज्जुद का नमाज होते हैं, उसके लिए भी बंदोबस्त की गई। और साथ साथ आप देख सकते हो बाहर नाइट बाज़ार है जो पूरा पूरा तेलंगाना में मशहूर है, उसके लिए लोग अलग अलग मज़हब से लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करते क्योंकि तो ये सबसे चीपेस्ट इंडिया वाइड पे चीपेस्ट मार्केट, तो उन लोग के लिए भी हम लोग अरेंजमेंट किया। और यहाँ पे जब एंट्रेंस करते हो तो आप जैसे अभी मैं आया हूँ सडनली किसी को बताया नहीं मैंने सडनली आया हूँ तो चेक करने के लिए भाई सभी लोग जागरूक है या अटेंटिव है कैसे कर रहे हैं। तो अभी 3:30 बजे अब आ रहे तो आप देख सकते हो गेट पे कैसे बंदोबस्त है, उसके बाद DFMD है, उसके बाद जो भी बैग्स आ रहे हैं उनको भी चेक कर रहे हैं ताकि जो भी अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। और बाहर अभी फिर आज की डेट में अभी के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ बाहर जो बाहर और अंदर मिलेगा कि 2 प्लाटून TSSP भी डिप्लॉयड है, 1 फीमेल प्लाटून भी डिप्लॉयड है क्योंकि तो बहुत सारी लेडीज़ आते हैं यहाँ पे, और एक QRT क्विक रेस्पॉन्स टीम भी डिप्लॉयड है क्योंकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट है उन लोग को तुरंत हम एक्शन लेने के लिए सब अरेंजमेंट कर रखा है। वही चीज़ आपको बता रहे हैं ना कि ये आर्कियोलॉजिकल ASI के अंडर ये स्ट्रक्चर है और इसमें सभी लोग आते देखते कि कितना आर्किटेक्चर कैसे है, जो कुतुबशाही का दौर का आर्किटेक्चर है, निज़ाम के दौर का आर्किटेक्चर है, कैसे इवॉल्व है, सभी लोग आके देखने के लिए आते। उस दिन जिस दिन हुआ था ये वो जगने के रात के दिन था, वो हम लोग चेक भी किया था, वो तरावी नमाज स्टार्ट होने के पहले आए थे, देख रहा था पूरा एरिया देख रहा था, वो उत्सुक थे, वो ही वॉज इंटरेस्टेड कैसे नमाज हो रहे,
उसके लिए जाके अंदर बैठा था। बट जब नमाज हो रही थी वो अंदर जाके पहले रो पे बैठना, उनको प्रॉब्ली उनको पता नहीं है या इंटेंशन नहीं किया, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो उनके ऊपर पब्लिक न्यूसेंस का केस भी डाला है और पूरी तरह से उनको इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। सर, आप ये सोशल मीडिया पे जो फैला रहे हैं, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, कुछ लोग हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कुछ गलत इंटेंशन के साथ अफवाह फैला रहे हैं। हमारा हैदराबाद और हमारा मक्का मस्जिद 100% सेफ है, कोई भी किसी किस्म की बदमाशी या बैड एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लोकल पुलिस टॉलरेट नहीं करेंगे या लोकल आवाम नहीं टॉलरेट करेंगे। उसके लिए हम सभी लोग गियर्ड अप पे, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी गियर्ड अप पे, आप देख सकते हो सारी कैमराज भी अवेलेबल है। जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ था परसों, उसके लिए भी तुरंत हम लोग एक्ट किया, विद इन सेकेंड्स उनको पकड़ के आइडेंटिफाई किया, पकड़ के लेके आ गया एंड उनके ऊपर कार्रवाई भी किया। थैंक यू।